न्यूज के साथ मैं हूँ यास्मीन। सबसे पहले हम स्टार हेडलाइंस। तहरीके लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी के बाद तीन अरकान असम्बली पढ़ना अहली की तलवार लटकने लग गई। पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को डिसेट कर सकता है। तुर्की का रमजान में कोरोना पाबंदियां सख्त करने का ऐलान। रात के कर्फ्यू के वक्त में इजाफा। इंटरसिटी सफर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महदूद होगी। अहकाम। अफगानिस्तान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें। 51 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात में 51 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 3 शहरी, 6 सिक्योरिटी अहलकार और 42 जंगजू शामिल हैं। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल मसनूआत की कीमत में 2 रुपए कमी का इम्कान। ओग्रा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम भी भिजवा दी। हतमी मंजूरी वजीर आजम इमरान खान देंगे। मजहबी जमात के मुश्तिल मुजाहरीन ने लाहौर के जनरल अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। मुजाहरीन की जानिब से इमरजेंसी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई। अस्पताल में मौजूद मरीजों और अमले में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। ताहम मुजाहरीन अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल नहीं हुए। अस्पताल जराए। बाबर आजम की T20 में सेंचुरी स्कोर करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। 23 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।